नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मार्केट मूवर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग होटल लीला के बारे एक खबर आई हुई है कि एक कंपनी ने इसे ख़रीद लिया। हम लोग न्यूज़ पे जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस पे डाला था होटल लीला पे, जिस पे रिलायंस इंडस्ट्री की बात आ रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्री इसे ख़रीदेगी, लेकिन लास्टली ये कंपनी किसी और कंपनी ने इसे ख़रीद लिया। और ये जो रिलायंस का न्यूज था, ये कुछ दिन के बाद रिलायंस ने BSE को अपने PDF फॉर्मेट पे अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया था कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, ये इससे शेयर के प्राइस में मूवमेंट हो रहा है। ये मेरे तरफ से क्लेरिफिकेशन, वो भी मैं PDF दिखाऊँगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे पूरा फुल डिटेल्स के लिए। होटल लीला पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है कि नहीं, ये आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर मार्केट पाने के लिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ पे जाने से पहले आप इसका पिक्चर देख लीजिए। आज इसके चार्ट पे नज़र आ रहा 5% का अपर सर्किट लगा कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा। अभी टाइम हो रहा है, टाइम आपका 11:45 के टाइम में भी ये सर्किट लगा ही हुआ, सर्किट टूटा नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आया हुआ है, जिसका इम्पैक्ट इसके प्राइस पर भी दिख रहा। पिछले 5-6 दिनों से इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, लेकिन आज इस पर सर्किट ही लगा। इसका रिटर्न प्रोफाइल देखिएगा तो बहुत ही ख़राब स्थिति है, जिसके वजह से इसको बेचना पड़ा। ये देखिए कि एक सालों में इसका प्राइस कहाँ चला गया, 5 सालों में कहाँ चला गया, ज़मीन पे चला गया। तो हम लोग इस न्यूज़ पे बिना इसको लेट किए हम लोग न्यूज़ पे पहले जाते हैं। सबसे पहले मैं अपना क्लेरिफिकेशन दूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इस शेयर को, इस होटल लीला वेंचर को बाई नहीं किया, इसका क्लेरिफिकेशन उसने दिया था। तो आप इस पर, जी हाँ, देखिए ये न्यूज आई हुई थी जिसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्री ने BSE को ये अपना ये भेजा था। इसमें क्या लिखा गया देखिए, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या दिया गया, न्यूज क्लेरिफिकेशन आइटम रिलायंस टू चेक इनटू होटल लीला। ठीक है, तो मैंने जो वीडियो बनाया था इससे पहले, इस पर एक आर्टिकल्स आया हुआ था जिसके वजह से ही बनाया था, तो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। ये PDF प्रूफ करता है, क्योंकि रिलायंस ने क्लेरिफिकेशन दिया है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप खुद से भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ये था मेरा क्लेरिफिकेशन कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे नहीं बाई किया, तो किसने किया, इसके डिटेल्स पर मैं नहीं जाता हूँ। देखिए अभी इस पर जो लिखा हुआ वो थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। वी रेफर टू योर ईमेल डेट 5 मार्च 2019 सेकिंग क्लेरिफिकेशन ऑन द न्यूज़ आइटम रिलायंस टू चेक इन टू होटल लीला अपियर्ड ऑन चैनल BTVI डेट BTV में ये न्यूज़ चल रहा था डेट 5 मार्च 2019 एंड आवर ईमेल क्लेरिफिकेशंस डेट 6 मार्च 2019 रिक्वेस्टिंग द एक्सचेंज टू प्रोवाइड अस विद द डिटेल्स ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द न्यूज आइटम सो एज टू एनेबल अस टू क्लेरिफाई द इशूज। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे देखिए अपना सिग्नेचर किया है। और ये तो था मेरा क्लेरिफिकेशन कि रिलायंस इंडस्ट्री पे न्यूज था। दूसरी, अभी किस कंपनी ने ख़रीदा, इस पर हम लोग जाएंगे। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पर न्यूज़ को देख पा रहे हैं कि होटल लीला वेंचर्स ब्रुकफील्ड को 3,950 करोड़ रुपए में होटल संपत्ति बेची होटल लीला ने, पूरा का पूरा। कौन सा ये पे देख लेते हैं। नई दिल्ली 18 मार्च, होटल लीला वेंचर्स नई दिल्ली 18 मार्च, होटल लीला वेंचर्स कनाडा के निवेश कॉस ब्रुकफील्ड को 4 होटल और एक संपत्ति 3,950 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। इसमें से एक होटल राष्ट्रीय राजधानी में है, राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली में। कंपनी ने शेयर बाज़ारों
को भेजी सूचना में कहा कि बेंगलुरु, चेन्नई दिल्ली और उदयपुर के होटलों के अलावे लीला पैलेस एंड रजिस्टर्स में 100% हिस्सेदारी ब्रुकफील्ड को बेचेगी। होटल लीला पैनल्स एवं रिजॉर्ट्स के पास आगरा में होटल के विकास का लाइसेंस है। ब्रुकफील्ड कनाडा का निवेश कोष है। कंपनी ने कहा है कि इस बिक्री से प्राप्त राशि, नई दिल्ली 18 मार्च, होटल लीला वेंचर कनाडा निवासी ब्रुकफील्ड का 4 होटल की संपत्ति 1 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की। इसमें से एक होटल, ये वही वाला चीज़ फिर से रिपीट किया गया है। अगर हिंदी में किसी को ना नहीं समझ में आया तो मैं इसे इंग्लिश में भी एक बार ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। देखिए, होटल लीला वेंचर्स टू सेल 4 होटल्स प्रॉपर्टी टू ब्रुकफील्ड फॉर ₹3950 करोड़। ठीक है, होटल लीला वेंचर्स मंडे अनाउंस टू सेल ऑफ 4 होटल इंक्लूडिंग वन ऑफ द नेशनल कैपिटल एंड द प्रॉपर्टी टू कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फंड ब्रुकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली ब्रुकफील्ड हॉस्पिटलिटी का बिजनेस करती है, जिसने होटल लीला वेंचर्स को खरीदी है और ये इसी के लिए अपना बिजनेस को इसमें यूज करने के लिए होटल लीला को खरीदी, ऐसा स्टेटमेंट इसमें बोला भी गया। देखिए, द कंपनी हैज इंटर्न इनटू द बिंडिंग एग्रीमेंट विद द ब्रुकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट रियल एसेट्स फंड्स टू सेल बाय वे ऑफ स्लैम्प सेल्स फॉर ऑन्ड लीला होटल्स लोकेटेड एट बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली एंड उदयपुर एट द प्रॉपर्टी दैट इट ऑन्स इन आगरा। होटल लीला वेंचर्स सेड द BSE फाइलिंग द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग असाइनमेंट्स टू ऑल होटल्स मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करेंटली इन ऑपरेशन एज वेल एज अंडर डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयज ऑफ द होटल्स इट एडेड। द होटल ट्रांजेक्शन्स 3950 crores प्लस द एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट द फिलिंग सेट। तो ये थी न्यूज, और इस न्यूज के वजह से आज होटल लीला के प्राइस मूवमेंट पे भी हम लोग को ये देखिए सर्किट लगा हुआ है, ये देखिए सर्किट लगा हुआ। तो होटल लीला पे एक छोटा सा पोजीशन बनाया जा सकता है। ये आप इस न्यूज के बाद इस शेयर पे प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता, हो सकता हो ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये शेयर मार्केट है। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसमें कुछ पोजीशन बनाना है। तो मेरा काम था आप तक न्यूज़ पहुंचाना, जो कि मैंने वादा किया है, और जो भी चीज़ आएंगी वो सही आएंगी इस चैनल पे 100% ट्रू। तो मैंने जो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कहा था वो भी बात सही थी, उसका क्लेरिफिकेशन भी मैंने दे दिया, आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कोई इंक्वायरी होती है तो कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसा लगता है, और आप इस पे पोजीशन बनाएंगे इसके रिगार्डिंग भी आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।